sa akin. Ito ko, I mean, super sina. I mean, ang super sina. Sissy boy, lizzy girl. I mean, ang super sina. Sissy boy, lizzy girl. I mean, ang super sina. Sissy boy, lizzy girl. S-T-O-P, stop! कैसी लग रही है लड़की? जेंट्स हेलमेट तो अच्छी लग रही है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोपहर में 2 बजे शॉपिंग करने। ये मैडम की शॉपिंग करनी है, हम लोग जा रहे हैं वापी। थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। और हाँ, वेलकम तो किया ही नहीं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दमाम गर्लियाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और देखिए मेरा वीडियो एंड तक देखना कि हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं, क्या लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। बाय। तो अभी हम लोग आ रहे हैं साड़ियाँ लेने। मैंने हमको साड़ी लेनी है। स्मार्ट बाज़ार वापी शैला रोड का। ये आई है औरत, मेरे को फालतू में घुमा रही है। बेडशीट लेना है, बेडशीट लेना है। ये बेडशीट लेके मैं इनका ब्लॉग बनाऊंगी। इनका पर्सनल फोटोग्राफर हूँ। सो अगर आप इनका चैनल लाइक करते हो तो मेरे इंस्टा चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा, जो कि है 0009। इनकी आईडी में आप मुझे देख सकते हो, ये मेंशन करती है मुझे। अभी मैं चली इनके साथ ऊपर और ये मुझे घुमाएगी स्मार्ट बाज़ार। क्या ऑर्डर लेके आई मैडम? 2 मसाला चाय, 1 पानी और 1 आपका फ्रेंच फ्राइज। थक गए ना हम लोग यार, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हम लोग इतनी भी शॉपिंग भी नहीं की, फिर भी ऐसा लग रहा है। कितने थक गए? जब तक 10-15 नहीं उड़ाएंगे तब तक कहाँ सेटिस्फेक्शन होता है। सही बात है। चलो अब क्या करना है, हम लोग चाय वाय पी के फिर चलते हैं घर। बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे आपके, दोनों बच्चे वाले उड़ गए होंगे। बच्चे वो भी दो दो चार। हेलो गाइस, तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम लोग आ गए घर पे। और क्या लिया आपको दिखाती हूँ। मेरी फ्रेंड ने ली है साड़ियाँ, वो तो लेके चली गई जल्दी जल्दी। इसमें से मैंने लिया, एक कार थी बच्चों की, उन्होंने निकाल दी। मैंने ये वाली साड़ी ली है अपने लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मल्टी कलर की। सो ये वाली साड़ी ली है मैंने अपने लिए, बस ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था, मैं उसके साथ ही गई थी। और ये वाली बेडशीट ली है, बेडशीट चाहिए थी मुझे, मेन काम यही था मेरा। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेके आई हूँ। कैसी लग रही है साड़ी? कैमरे पे इसका कलर नहीं दिख रहा है, बाकी ये रियल में एकदम डार्क शेड पे है। काफ़ी सुंदर लग रही थी ये पहनने के बाद, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली। इसमें छोटी छोटी सी है, क्या बोलते हैं, शिमरी शाइनिंग कर रहा है बट दिख नहीं रहा है। तो ये एक साड़ी लाई हूँ मैं। चलिए आप कुछ खाते पीते हैं। तो फ्रेंड घर पे आने के बाद लग गई है बहुत तेज़ सी भूख, धूप आ रही है सामने में। अब मैं खा रही हूँ ये फारा, आप लोग क्या बोलते हैं बताना आप लोग की लैंग्वेज में, चावल के आटे का जो बनता है, जो मतलब मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, बता नहीं सकती उतना ज़्यादा फेवरेट है। तो ये है फारा, खा लेते हैं फटाफट, उसके बाद आप बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वेनसडे, हाँ कल ट्यूसडे था, कल हम लोग गए थे शॉपिंग पे। उसके बाद आने के बाद अचानक से, मतलब मैं अभी रूट कैनल करवा रही हूँ, मेरे दांतों में जब प्रॉब्लम है तो उसके मतलब 4 से 5 सेशन होंगे, डॉक्टर ने बोला था ऐसा। हाँ तो उसमें से मेरे 3 सेशन ऑलरेडी हो लिया ना। हाँ आ रही हूँ, कर रही हूँ, जाओ आ रही हूँ, आ जाओ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, ठीक है चलो पहले। हाँ तो एक्चुअली मेरा सेकेंड सेशन के बाद मेरा 2 दिन का अपॉइंटमेंट था जब मैं मायके चली गई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बोला आके करवा दूँगी, और फिर मैं मायके चली गई तो 1 हफ्ते का गैप हो गया। तो मतलब ये जो मतलब दांत के अंदर वो लोग ड्रिल करके जो गैप कर देते हैं वो कवर नहीं हुआ था, और एंटीबायोटिक कुछ भी मैंने लिया नहीं था, तो मेरे मुँह में हो गया इन्फेक्शन। तो फिर से पूरा सेशन न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, और इतना पेनफुल हो रहा है ना वो, मतलब मैं एकदम, मेरे फेस से लग रहा होगा, मैं बहुत मतलब दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और कल अचानक से हम लोग आए 5 बजे शॉपिंग करने के बाद, उसके बाद मुझे अचानक से मेरा BP एकदम लो हो गया था, मुझे फीवर था शाम को 6 बजे करीब, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब दांतों में पेन हो रहा था। तो कल का ब्लॉग मैंने कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया, जो सूट किया था वही। आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ वेनसडे से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10, और मैं मतलब आराम से सो के उठी थी, अभी नहाई भी नहीं हूँ, और घर का काम सारा डस्टिंग वगैरह फिनिश कर लिया है। आंटी आएंगी अभी, झाड़ू पोछा मारेंगी, खाना बना दिया है मैंने उठ के पहले ही, नाश्ता वास्ता कुछ बनाया नहीं है, और टिफिन मम्मी ने बना दिया था, और मैंने ओट्स खाए हैं थोड़े से अभी से, ओट्स ही खा पा रही हूँ मैं, और कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। तो दाल चावल बनाया है और सिंपल सा वही हम लोग खा लेंगे, नाश्ता डिनर जो भी, लंच जो भी बोल लो। तो अभी फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो चलिए नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। और क्या खाना बनाया वो दिखाती हूँ, चलिए लेट्स गो। तो चलिए आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और झटपट वाली रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाल दी है राई, और राई के बाद यहाँ पे मैंने ये जो मिर्चे आते हैं बड़े वाले लंबे वाले जो कि तीखे नहीं होते, उसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हींग ले ली है, हल्दी पाउडर ले लिया है, और नमक सागे डाल दिया है। बस ये इसको आपको इस तरीके से थोड़ी देर तक मतलब सौते कर लेना है। इसे आप दाल भात के साथ मतलब राइस के साथ खाओगे ना, इतना टेस्टी लगता है ना, मैं इसके बिना दाल राइस खाती ही नहीं हूँ ये सीज़न में। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी है, इसमें है दाल, कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए थे, और ये है मिर्ची, और ये कुछ सब्जी है जो पापा जी के लिए बनाई है, सिर्फ करेला वगैरह है, और जो साग होता है वो बनाया हुआ है। नहा के आ गई हूँ और पहन लिया है ये वाला ड्रेस, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अब सिर्फ कॉटन के कपड़े, नो जींस। चलिए अब थोड़ा सा बाहर जाना है, सनस्क्रीन ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, काफ़ी अच्छा है, दवा इंडिया का जो लास्ट सैटरडे लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे कर रही हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सनस्क्रीन लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ये टाइम पे, ये मतलब गर्मियों में और इतनी धूप में सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से सनस्क्रीन, नहाने के बाद सनस्क्रीन लगा लिया है, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का ये वाला पपैया वाला मॉइस्चराइज़र, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो ये लगाऊंगी। इसके अलावा आजकल मैं और कुछ भी नहीं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, बस सिंपल यही दोनों चीज़ें। इससे फेस स्टिकी भी नहीं रहता और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है ये वाला। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर पे, यहाँ पे मेरे घर के सामने ही मंदिर है, तो यहाँ पे मैं आके मैंने दर्शन कर लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठी थी सुकून से, अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को अब एंड कर रही हूँ, कैसा लगा आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Take care.